Assalamu alaikum dear students, I hope you will be fine. In this video I am going to continue my previous topic, that was quantity average. Okay, so dear students, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक ब्रिज है. हमने पिछले लेक्चर्स में इसी ब्रिज के लिए क्वान्टिटी को कैलकुलेट किया था. ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हम क्वान्टिटी ऑफ कर्व वेरियर को कैलकुलेट करेंगे. ओके सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले चलते हैं हम इस ब्रिज की ड्राइंग की तरफ, कि ड्राइंग में हमारे पास इस कर्व वेरियर के लिए डायमेंशन क्या क्या है. ठीक है सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इस ब्रिज के लिए ड्राइंग है. ड्राइंग में सबसे पहले अगर हम इस कर्व वेरियर की डायमेंशन की तरफ आए तो ये हमारे पास 8 इंचज़ क्रॉस 8 इंचज़ है. ठीक है, और अगर आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पर एक चैम्फर्ड पोर्शन भी है. ठीक है सो डियर स्टूडेंट्स, हम इसी चैम्फर्ड पोर्शन को इग्नोर करेंगे और इसके लिए हम क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे. ठीक है सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कर्व वेरियर है वो हमारे पास दोनों साइड पर है. ठीक है, और यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि हमारे पास जो कर्व वेरियर है वो असल में फिजिसी वर्क है और इसकी जो रेशो है वो हमारे पास 1:3:6 है. ठीक है सूर्य स्टूडेंट, सबसे पहले चलते हैं हम इस कर्व वेरियर की लेंथ की तरफ, कि हमारे पास इस कर्व वेरियर के लिए लेंथ क्या है. ठीक है सूर्य स्टूडेंट्स, अगर हम इस कर्व वेरियर की लेंथ की बात करें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि हमारे पास जो दोनों एबटमेंट वॉल की दरमियान डिस्टेंस है वो हमारे पास 92 फीट है. ठीक है, और आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि हमारे पास जो गर्डर्स है, ठीक है, उसको हमने एक्सटेंड किया हुआ है 1 फीट एंड 6 इंचज़ वन साइड पर और 1 फीट एंड 6 इंचज़ दूसरे साइड पर. ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल लेंथ ऑफ द स्लैब है वो हमारे पास क्या है, 92 फीट. ये हो गया, इसके साथ साथ हमने क्या करना है, 1.5 जो है इसको भी इसके साथ ऐड करना है. तो ये हमारे पास जो टोटल लेंथ ऑफ द कर्व वेरियर है वो हमारे पास क्या है, 95 फीट है. ओके सूर्य स्टूडेंट्स, हमने कर्व वेरियर के लिए जो लेंथ लेना है वो हमने क्या लेना है, 95 फीट लेना है. ठीक है, तो ये हमारे पास 95 फीट ये हो गया. ठीक है, अब चलते हैं इस कर्व वेरियर की विड्थ की तरफ, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि हमारे पास जो कर्व वेरियर है उसकी डायमेंशन को यहाँ पर शो किया गया है. सूर्य स्टूडेंट्स, अगर आप इस कर्व वेरियर की विड्थ की बात करें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि वो हमारे पास 8 इंचज़ है. ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो भी 8 इंचज़ है. ठीक है सूर्य स्टूडेंट्स, अगर आप इस 8 इंचज़ को 12 से डिवाइड करें तो इससे मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी एन फीट 0.666. ओके सूर्य स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, इसी कर्व वेरियर की हाइट को लेना है जो हमारे पास क्या है, 8 इंचज़ है. ठीक है, तो इससे भी मेरे पास आ जाएगा 0.66. ओके सुना, अब हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कर्व वेरियर है हमारे पास कितने हैं, दो है, एक इस साइड पर और एक जो है हमारे पास इस साइड पर. तो हम क्या करेंगे, जो टोटल नंबर्स है उसमें हम क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे. ठीक है सुना डियर स्टूडेंट्स, हम इसकी क्वान्टिटी को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है सो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, इस कर्व वेरियर की जो टोटल क्वान्टिटी अगर हमने फाइंड करनी है तो यहाँ पर हम इक्वल का साइन डालेंगे. ठीक है, हमारे पास टोटल नंबर 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कर्व वेरियर की लेंथ के साथ और इसकी विड्थ के साथ. ठीक है, और उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे इसकी हाइट के साथ. ठीक है, तो इससे मेरे पास 2.76. ओके सूर्य स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया. ठीक है सूर्य स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक. उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इस ब्रिज के लिए जो यहाँ पर रेलिंग यहाँ पर आपको नज़र आ रही है इसके लिए क्वांटिटी को निकालेंगे. ठीक है सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.